प्रदेश में लगातार बढ़ रहे दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। इसी अभियान का असर बिलासपुर में भी देखने को मिला। बिलासपुर उपायुक्त कार्यालय से मेन मार्केट होते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय तक सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एसके प्राशर ने हरी झंडी दिखाई। मैराथन के आगाज से पहले अभियान से जुड़े कॉलेज व स्कूली छात्राओं सहित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों व विभिन्न विभागों के अधिकारियों को यातायात नियमों की पालन करने की शपथ भी दिलाई गई, जिसके बाद सभी प्रतिभागियों ने मैराथन के जरिए आम जन से नियमों के पालन करने की अपील की। वहीं अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए एसके प्राशर ने बताया कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का लगाना अति आवश्यक है। साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव को नकारना ही ड्राइवर और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। पिछले दिनों से हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, स्लाइडिंग से लोक निर्माण विभाग के कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 चंडीगढ़ मनाली पर गंबर पुल से गंबरोला तक जगह जगह पत्थर और मलबा सड़क पर गिर रहा है। लोक निर्माण विभाग बरसात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विभाग के पास भारी बारिश के दौरान बंद होने वाली सड़कों को शीघ्र अतिशीघ्र बहाल करने के लिए मशीनरी पर पर्याप्त मात्रा में लेबर है। लोबिनी मंडल नंबर 2 के कनिष्ठ अभियंता नंदलाल चंदेल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की लेबर और मशीनरी सुबह 7 बजे से NH से मलबा व पत्थर उठाने के लिए पहुंच रही है, ताकि यात्रियों, पर्यटकों, वाहन चालकों को जाम जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि विभाग के अधीन कई सड़कें एक साथ अवरुद्ध होने की स्थिति में पहले NH को बहाल करने के लिए वरीयता दी जाएगी, जबकि अन्य संपर्क मार्गों को इसके बाद बहाल किया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मनाली और मकलोडगंज में व्यवसायिक भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी है। 29 जुलाई को जारी आदेश में NGT ने नए व्यवसायिक भवनों के निर्माण पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार को मनाली और मकलोडगंज में कोई भी नया भवन न बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही सरकार को 3 महीने में रिपोर्ट भी NGT के समक्ष पेश करने को कहा गया है। ये क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है और जोन 4 और 5 में आता है। इसके साथ साथ व्यास नदी, पर्यावरण व अन्य क्षेत्रों में पड़ रहे प्रभावों की रिपोर्ट भी भेजने को कहा गया है। आदेश के अनुसार विशेषज्ञों की रिपोर्ट को आधार मानकर NGT ने व्यावसायिक भवन निर्माण पर चिंता जताई है। आदेश में बताया गया है कि मनाली व मकलोडगंज में बिना योजना निर्माण किया गया है। नतीजन यहां क्षमता से अधिक आबादी है और पर्यटकों के आने पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। यहां पर ना तो कचरे के निष्पादन के लिए उचित व्यवस्था है और ना ही वाहन पार्किंग के लिए। विभिन्न विभागों के सर्वे में ये बात सामने आई है कि यहाँ भवन निर्माण में नियमों को धक्का लगा है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित कमेटी द्वारा किए गए सर्वे में भी पता चला है कि मनाली और मकलोडगंज में लगातार दबाव बढ़ रहा है और मनाली में कूड़ा संयंत्र ना होने के कारण कचरा खुले में फेंका जा रहा है। यहां कोई ठोस नीति भी नहीं है। NGT ने नगर परिषद मनाली और मकलोडगंज क्षेत्र में किसी भी तरह के व्यावसायिक भवन निर्माण के ना करने के आदेश जारी किए हैं। नगर निगम के महापौर देवेंद्र जग्गी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश सख्ती से लागू किए जाएंगे और मकलोडगंज में नए व्यावसायिक भवन बनाने के लिए 15 लोगों के आवेदन उनके पास पहुंचे थे, जिन पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम धर्मशाला ने मकलोडगंज पर पैनी नजर रखी है कि भविष्य में कोई भी व्यावसायिक भवन ना बनाया जाए। समाज सेवी व पूर्व कर्मचारी परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मकलोडगंज में व्यावसायिक भवनों के निर्माण पर जो रोक लगाई गई है, ये पहाड़ी राज्यों के लिए ऊपर बेहद अहम फैसला है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में
एक अनोखी दोस्ती की मिसाल रविवार को देखने को मिली। रविवार को मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने लाइन में लगकर दर्शन किए, जब पंजाब से गुरसरिया से आए दोस्तों ने अपने अपंग दोस्त को उठाकर चिंतपूर्णी व ज्वाला माँ के दर्शन करवाए। ज्वालामुखी बस स्टैंड पर अपने दोस्त को उठाकर मंदिर लेकर आए और लाइन में लगे हुए श्रद्धालु ऐसा अनूठा दृश्य देखकर हक्के बक्के रह गए। गुरसरिया से आए अपंग श्रद्धालु ने बताया कि मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं माता चिंतपूर्णी व ज्वाला माँ के दर्शन करूं, पर चलने व फिरने में असमर्थ होने के कारण वो इसमें असमर्थ था, पर उसके दोस्तों ने उसे उठाकर मंदिर लाए और दर्शन करवाए। ज्वाला माँ के दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं और उसने अपने दोस्तों के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया है। वहीं उन्होंने प्रशासन का भी अच्छे इंतजाम के लिए धन्यवाद किया। विश्वख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में रविवार के दिन सुबह से ही हजारों श्रद्धालु लाइन में आकर ज्वाला माँ के दर्शन करने पहुंचे, जिसके लिए मंदिर प्रशासन ने सभी पुख्ता इंतजाम किए थे, जिससे किसी भी बाहर से आने वाले श्रद्धालु को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मंदिर अधिकारी बिशनदास शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में श्रवण अष्टमी नवरात्रों के चौथे दिन यानी रविवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को लाइनों में लगकर मां के दर्शन करवाए गए, जिससे किसी भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं हुई। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, चाहे वे पीने के पानी की हो या फिर लंगर की, सभी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। पुजारी धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि सावन नवरात्रों के चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में ज्वाला माँ का विशेष पूजन किया गया। ज्वालामुखी मंदिर में रविवार को हजारों की संख्या में लोगों ने लाइन में पहुंचकर माँ के दर्शन किए और माँ का जयकारा भी किया। राजस्थान से आए श्रद्धालु ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में चौथे नवरात्रे को रविवार के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और जिनके दर्शन के लिए प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की थी। वहीं गंगानगर से आए श्रद्धालु ने बताया कि सावन नवरात्रों के चौथे दिन रविवार को यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं। प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम है और अच्छे ढंग से दर्शन किए जा रहे हैं।